ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद मेरा प्लान चालू है, मैं पहले यहाँ पे ईगल आता था, अभी ईगल आना बंद हुआ, अभी एक चिड़िया आती है। चिड़िया को दिखाने की कोशिश कर रहा था, चिड़िया भी उड़ गई। कोई भी यहाँ पे बर्ड बैठे उसको कैमरा में नहीं आना है, ईगल को भी नहीं आना है, चिड़िया को भी नहीं आना है। अच्छा आवाज़ मेरा ऊपर नीचे लग रहा है, हल्की सी सर्दी हुई है जो रूटीन है मेरे लिए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। आज मैंने इसे ठीक से चार्ज करके रखा था, आज अपनी खेती कट करते समय ये बीच में बंद नहीं होगा। इसे तो हटा दिया, मूछ हटाने का भी दिल कर रहा है। पहले एक टाइम था जब मैं क्लीन शेव रखता था, अभी अगर मुझे कोई बोलेगा क्लीन शेव रखो तो मैं क्लीन शेव नहीं रख पाऊंगा। मुझे खुद का वो क्लीन शेव वाला लुक इतना पसंद नहीं है। हल्की सी तो बियर्ड चाहिए, एक हल्की शेड चाहिए बियर्ड की, ज़्यादा बड़ी भी नहीं एकदम कम भी नहीं। मैंने अभी ये नहीं जानबूझ के मूछ बीच का रखा है और यहाँ का काट दिया। मम्मी चाली चपलिन चाली चपलिन। आज का दिन कुछ ज़्यादा ही आलस वाला फील हो रहा है, लेजी वाला दिन है। कल के व्लॉग में मैंने कहा था आज के व्लॉग में हम लोग Q&A सेशन ऐड करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। व्लॉगिंग इंस्पिरेशन कौन है? 2011 या 12 में YouTube पहली बार देखा था, वो टाइम पे केसी नेस्टर के व्लॉग्स बहुत देखता था। वो उस टाइम पे समझ में भी नहीं आता था वी लॉग क्या होता है। उसके बाद YouTube देखने लगा, इंडिया के बहुत सारे व्लॉगर है जो इंस्पायर करते हैं, लेकिन कुछ कुछ व्लॉगर ऐसे हैं जो लोगों को पता भी नहीं, जिनके 100-200 सब्सक्राइबर और वो लोग बहुत प्यारा कॉन्टेंट डिलीवर करते हैं। और ऐसे मेरे साथ बहुत टाइम हुआ है, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो एक ऐसे ही बंदे का व्लॉग्स देख के स्टार्ट किया था जिसने अभी चैनल बंद ही कर दिया, तो मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं बोलूंगा। उसके वो टाइम पे 100 सब्सक्राइबर थे, लेकिन उस बंदे ने एक ही वीडियो डाला था, बहुत प्यारा वीडियो डाला था, और वो वीडियो को देख के मैं खुद इंस्पायर हुआ। मुझे ऐसा लगा हाँ यार, मैं भी ऐसी कुछ चीज बना सकता हूँ। तो व्लॉगिंग इंस्पिरेशन स्पेशली ऐसा कोई बंदा नहीं है, व्लॉगिंग इंस्पिरेशन मेरी सिचुएशन है। मुझे घूमना पसंद है, मुझे रिकॉर्ड करना पसंद है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो ये आपके लिए इंस्पिरेशन बनती है, और जब आपका खुद का काम आपके लिए इंस्पिरेशन बनता है तो ये सबसे सही चीज़ है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहते रहता हूँ नंबर्स मैटर नहीं करते। अभी हमें व्यूज़ कम आ रहे हैं, मुझे भी पता है ये लाइफ स्टाइल वाला कॉन्टेंट है और ये कॉन्टेंट मेरा कोर कॉन्टेंट नहीं है। मुझे ट्रैवलिंग पसंद है और अपने चैनल पर स्पेशली ट्रैवलिंग ज़्यादा दिखाई देता है। अभी ये लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग लाइफ वाला कंटेंट दे रहे हैं, तो भी आप पसंद कर रहे हो, ये मेरे लिए बड़ी बात है और इसी को मैं इंस्पिरेशन मानता हूँ। काम करते वक्त मजा आना ये जरूरी है। मम्मी पिछले 2 घंटे से ये कपड़ा सी रही है और इतना सारा उसने आज काम किया है, अच्छा इतना सारा काम किया है मम्मी ने। मुझे एक ही काम बोला था, कर्टन्स निकाल लेते, लेकिन मम्मी को आज मैंने प्यार से समझा, आज मैं कर्टन नहीं निकालूंगा, आज मेरा कुछ काम करने का मूड नहीं है। और मम्मी ने वो भी एग्री किया, मम्मी इतू सा भी गुस्सा नहीं हुई। देखो मम्मी, मैंने आपकी अच्छी क्वालिटी भी कैमरा पे शेयर किया। नहीं क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं गुस्सा हो गई मालूम है? हाँ आज मेरा भी काम था। अच्छा आपका काम था इसलिए? अच्छा देखो मैंने इसे ऐसे ही खुला रखा है। आज मैंने 1.5 घंटे का नींद लिया, पता नहीं थोड़ा डाउन फील हो रहा था, आज एक्सरसाइज करने भी नहीं जाऊंगा। ये जो मैंने अभी टी शर्ट पहना है, ये टी शर्ट एक टाइम पे मुझे लूज़ होता था, अभी ये टी शर्ट भी टाइट हो रहा है। अच्छा खासा मोटा हुआ हूँ मैं, बोलूँ ना कम से कम 5 से 6 किलो आराम से मैंने पुट ऑन किया है। वो अभी उतारने में बैंड बजने वाली है। मैंने सोचा था जैसे ही लॉकडाउन लगेगा मैं अपना कॉन्सनट्रेट करूँगा वर्कआउट पर, फिर से वो पैर लेग इंजरी स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर स्लो हुआ, लेकिन अभी बोलूँ ना ये सारे एक्सक्यूजेस है और मुझे खुद को अभी ये एक्सक्यूजेस लगने लगे। अगर करना है तो मुझे शिद्दत से प्यार से एकदम कॉन्सेंट्रेट करके करना है। तो आज जब मेरा मूड डाउन होता है तो आपका भाई एक ही चीज़ करता है, बाइक के पास जाता है, बाइक निकालूंगा, कम से कम सोसाइटी में इतू सा राउंड मारूंगा ना तो भी दिल को सुकून मिलेगा। जैसे एक बॉयफ्रेंड को अपने गर्लफ्रेंड को देखने के बाद खुशी मिलती है, वैसे ही बाइकर्स लोग को अपने बाइक को देखने के बाद खुशी मिलती है। मुझे पता है मम्मी बाहर बैठी है, मम्मी ने ये वाला डोर खींचा तो घर पर वो वेंटिलेशन क्रॉस वेंटिलेशन होता है तो उसके साथ ये भी डोर अंदर चला गया। ये देखो Q&A सेशन करते समय मुझे पुराने दिन याद आते हैं, जब मैं छोटा था तो वो रेडियो पे जो आवाज़ सुनने आता था ये गांव से ये सवाल पूछा गया है। तो अभी हमारा अगला सवाल है, बेस्ट बाइक कौन सी है? इसका जवाब एकदम सही है। अगर आप बेस्ट बाइक देखने जाओगे तो दुनिया में ऐसी कोई भी बाइक नहीं है जो परफेक्ट है, जो बेस्ट है। हर एक बाइक में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नज़र आएगा, जैसे KTM Duke 390 कंफर्टेबल नहीं है, पावरफुल मशीन है लेकिन मशीन की लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है, वैसे V-Strom 650 का ग्राउंड क्लियरेंस कम है। वैसे हर एक बाइक में आपको कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लगेगा, बेहतर यही है आपकी पसंदीदार बाइक आपको चलाने मिलनी चाहिए। जो बाइक आपको कंफर्टेबल लग रही है, जो बाइक आपको अंदर से पसंद आ रही है, वो बाइक सबसे बेस्ट बाइक होती है। वो मायने नहीं रखता वो 100cc है, 200cc या 1000cc।
अभी तो हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं यहाँ से उतर के पूल में टाइम स्पेंड करना। मैं अभी जस्ट न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ में जो चीज़ें दिखा रहे हैं इंडिया में अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मुझे नहीं लगता किसी को भी जल्दी ट्रैवल प्लान करने मिलेगा। सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रही है। अभी जस्ट गोवा का न्यूज़ देखा, बीच में गोवा सब चालू था, जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन हुआ तब गोवा चालू था। अभी गोवा में पॉजिटिविटी रेट 51% है। जस्ट मैं आपसे एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको पता चलेगा कंडीशन कितनी बदतर में से बदतर होते जा रही है। चार पाँच दिन से गाड़ी को देखा भी नहीं। ये गाड़ी को मैं कितना भी कवर डालूँ, मैं कवर नीचे बांध के रखता हूँ, ये KTM का कवर है, इसके लिए कुछ अलग कवर लेना पड़ेगा। हेवी कवर रहेगा तो वो उड़ के नीचे नहीं आएगा, जब तक मैं इस पर KTM का कवर डाल रहा हूँ वो कवर उड़ेगा ही उड़ेगा। अच्छा, अपना कार क्लीनिंग वाला टाइम टू टाइम आता है, कार क्लीन होती है तो अच्छा लगता है। अभी बाहर नहीं जा रही है लेकिन क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। पार्किंग लॉट में एक चीज़ है, धूल बहुत आती है, ये साइड से ओपन है तो धूल बहुत आती है तो गाड़ियाँ जल्दी ख़राब हो जाती है। ये एक्टिवा की कंडीशन देखो, से सिर्फ पार्किंग में राउंड मार रहा हूँ इसलिए हेलमेट नहीं पहना है और पैर में भी मैंने चप्पल पहनी है। मैं रिकमेंड नहीं करता चप्पल पहन के बाइक चलाना, लेकिन आज सिर्फ पार्किंग लॉट में राउंड हो रहा है। मेरे पार्किंग लॉट में और एक लोकेशन मुझे मिली जहाँ से अच्छा टाइम लैप्स निकल सकता है, ये वाले एरिया से अच्छा टाइम लैप्स निकलेगा। मुझे वॉक करते समय हमेशा बोलता हूँ मंदिर वाला एरिया, तो मंदिर वाला एरिया यहाँ पे है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये वाला थर्ड गेट है हमारा जो अभी चालू नहीं हुआ। ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मेरा प्लान चालू है, मैं PPF कोटिंग करूँगा टैंक के लिए और थोड़ा मुझे कलर में कुछ चेंज करना है। अभी आपके दिमाग में अगर कुछ सजेशन रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एक तो है मुझे येलो टैंक रखना है और ये जो बीक है यहाँ पर मैं कुछ करूँ बीक के लिए, बिकॉज बीक की एक चीज़ है, बीक मेरा ब्लैक कलर में है, तो ब्लैक कलर में बीक है इसलिए वो ठीक से हाईलाइट नहीं होता और मैं चाहता हूँ कि बीक हाईलाइट हो। अगर बीक मेरा हाईलाइट होगा तो जो गाड़ी की विड्थ है वो विड्थ प्रॉपर लगेगी और जो गाड़ी का लुक है वो और इनहांस होगा। इसकी जो हेडलाइट है, हेडलाइट पर प्रोटेक्शन ग्रिल लगाने का सोच रहा हूँ, जब आने वाले दिनों में मैं एडवेंचर राइड करूँ तो हेडलाइट का प्रोटेक्शन चाहिए, बिकॉज इसका हेडलाइट ओवल है और वो सामने आता है, अगर इस पर कुछ फटका लगा तो बड़ा फटका हो जाएगा। V-Strom में अगर ये लोग हेडलाइट थोड़ा अलग डिज़ाइन करते, ये जो ओवल डिज़ाइन है ये डिज़ाइन छोड़ के कुछ अलग डिज़ाइन करते थे, ये गाड़ी और मस्त दिखती। ये कैमरा में मुझे पता नहीं कितना पता चलेगा, जब लॉकडाउन नहीं था तो मैं यहाँ पे 2-3 बार आके गया हूँ सनसेट देखने के लिए, लेकिन वो टाइम पे मुझे सनसेट देखने नहीं मिला, अभी सनसेट देखने मिल रहा है। ये टाइम पे यहाँ का वेदर भी मस्त हुआ है। अच्छा, 2 मिनट भी बाहर जाने मिलता है तो बहुत सही लगता है। ये नज़दीक एक क्रीक वाली प्लेस है, अच्छा लगता है वहाँ पे जाके कम से कम थोड़ा तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घर बैठे बैठे नहीं तो दिमाग हिल जाता है। आज मैंने डिसाइड किया था सारे क्वेश्चंस एक ही व्लॉग में डालूंगा, लेकिन क्वेश्चंस ही इतने ज़्यादा आए तो मैंने सोचा कि हर व्लॉग में तीन चार क्वेश्चन ऐड करके हम लोग आगे बढ़ते रहे। और वैसे भी ये हमारा 97th व्लॉग है, बहुत सही लग रहा है बोलते हुए भी, 97th व्लॉग मैंने डेली बनाया। सपोर्ट जो आपने दिया है ना, वो सपोर्ट मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे ऐसे लगा था कि थोड़ा स्टार्टिंग में सपोर्ट मिलेगा उसके बाद आपका इतना सपोर्ट नहीं रहेगा, लेकिन आपने जिस लेवल का सपोर्ट दिया है मैंने सच में नहीं सोचा था, उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक्स। अगला सवाल है लद्दाख और केदारनाथ की डिटेल, लद्दाख और केदारनाथ की डिटेल का व्लॉग मैंने दोनों के डाल दिए, लद्दाख का बजट व्लॉग है लद्दाख के प्लेलिस्ट में, केदारनाथ का अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही डाला है। राइडिंग का जो पैसा है वो कैसा मैनेज होता है, राइड कैसे मैनेज करते हो, बजट कैसे फाइनल होता है, कुछ भी फाइनल नहीं होता,
जैसे एक डेस्टिनेशन है लद्दाख, तो लद्दाख जाना है तो दिमाग में रहता है लद्दाख जाना है, ये रूट फाइनल करते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे कंफर्टेबल होटल होने चाहिए, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारी, हमारी बाइक्स को एक अच्छी पार्किंग हो, एक अच्छा होटल रूम हो जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा हो, जहाँ पे हम लोग अपना व्लॉग एडिट कर सकते हैं या अपना काम कर सकते हैं। मेरे दोस्त भी है, उनका भी ऑफिस वर्क वगैरह होता है तो उनका भी काम होता है, उसके लिए एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा चाहिए। और बाकी तो रूट में जैसे जैसे होते जाएगा उसके बाद पता चलता है इतना पैसा वहाँ पर खर्चा हुआ। एक मोटा मोटी खर्चा निकाल देते हैं एक कैलकुलेट करके, हाँ इतना हो रहा है, एग्जाम्पल 20,000 हो रहा है तो हम लोग एक 30-35,000 पकड़ के चलते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। और कभी भी कोई भी राइड अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, उस राइड में उस प्लानिंग में एक्स्ट्रा पैसा ऐड करना और एक्स्ट्रा डेज ऐड करना। 15 डेज का राइड है तो उसमें 20 डेज का तो राइड पकड़ना, और अगर आप 20K की राइड हो रही है तो आपको 30-35K पकड़ना ही है। कुछ भी हो सकता है, दिन कम पड़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कोई इंजर्ड हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, उसके लिए एक्स्ट्रा डे चाहिए, और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपके पास पैसा भी चाहिए। एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है? एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ वंडरशेयर फिल्मोरा और एडोबी प्रीमियर प्रो। वंडरशेयर फिल्मोरा में भी सारा काम हो जाता है, 4K एडिटिंग हो जाता है। कभी ऐसे लगता है कुछ एक्स्ट्रा काम करना है तो वो टाइम पे मैं एडोबी प्रीमियर प्रो पे करता हूँ। दोनों भी सॉफ्टवेयर बहुत प्यारे, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट अभी कर रहे हो, तो आपके लिए वंडरशेयर फिल्मोरा बेस्ट रहेगा। 3,500 में, मतलब 3,500 में आपको 1 ईयर का लाइसेंस मिल जाता है। तो बस गाइस, आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, हमारा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, तो ही हमारे फैमिली के मेंबर बनना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर।